शुक्रिया भाई जोबिन। जब भी एक जवान हम सबके सामने खड़े होकर प्रभु के द्वारा उसने जो नया जीवन पाया है उसकी गवाही देता है तो सुनकर अच्छा लगता है कि एक और व्यक्ति ने प्रभु यीशु के द्वारा नया जीवन पाया। उन्होंने अपनी जो गवाही दी उसके बारे में आप में से जो लोग डिटेल में जानना चाहते हैं वो लोग इस सभा के बाद उनको घेर लें, जाने ना दें। इसीलिए तो हम उनको पकड़ के लाए हैं कि वो ये सारी बातें आपको डिटेल में बता सकें। तो ये सारी बातें उनसे पूछकर, जानकर, अच्छी तरह से समझकर और इस नए जीवन को पाने के बाद ही इस हॉल को छोड़कर जाएं। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया, बपतिस्मा, जिसका उपयोग आज तक यहाँ मैंने नहीं किया है। उनके कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तो प्रभु के वचन की आज्ञा के अनुसार उन्होंने जल संस्कार लिया। तो इस तरह से मनुष्य के लिए नया जीवन पाना और नए जीवन पाने के बाद अपने पुराने सारे पाप कर्मों को छोड़कर अलग होना और प्रभु के वचन के अनुसार जल संस्कार पाना, और उसके बाद जिन लोगों ने इस तरह से जल संस्कार पाया है उन लोगों के साथ संगति करना हर मसीही व्यक्ति के लिए या प्रभु यीशु के अनुयायी के लिए जरूरी है। शुक्रिया भाई एक बार और कि आपने ये सारी बातें आज हमारे सामने रखी। प्रभु आपको अनुग्रह दे। हम पिछले कई हफ्तों से मूसा नाम के महान नायक के जीवन का अध्ययन कर रहे थे और आज उस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बैकग्राउंड के रूप में मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूँ। आज से बहुत साल पहले की बात है, एक बहुत ही दयालु व्यक्ति जंगलों में से होकर यात्रा कर रहा था तो जंगल में बसे हुए ऐसे लोग उसको दिखाई दिए जो ना कपड़ा पहनते थे, ना शहरी लोगों के समान कोई व्यवहार करते थे, ना ही शहर के जीवन के बारे में जानते थे। इस आदमी ने सोचा कि इन लोगों के बीच शहर का ज्ञान आना चाहिए, इसलिए उनमें से जो सबसे बुद्धिमान उसको लगा उस जवान को पहले तो बुला के कपड़ा पहनना सिखाया, और कपड़ा पहनना जब वो सीख लिया उसने तो उसको अपने साथ शहर ले गया। शहर ले जाकर शहर का जीवन लगभग एक महीना दिखाने के बाद उससे कहा कि अब तुम वापस जाओ और अपने कबीले के लोगों को शहर में तुमने जो अच्छी से अच्छी बातें देखी और सीखी हैं वो बातें उनको सिखाओ, जिससे कि वे लोग जंगली जीवन को छोड़कर सभ्य जीवन बिता सकें। उसने कहा कि एक बात और, तुमको अपने साथ ले जाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है वो चीज़ें मुझे बताओ और मैं वो सारी चीज़ें दूंगा। तो उसने कहा कि कुछ पेन चाहिए, तो ये धनी आदमी बहुत खुश हो गया। उसने कहा कुछ पेपर चाहिए, ये धनी आदमी बहुत खुश हो गया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे एक घड़ीश्वर भी चाहिए। धनी आदमी ने पूछा, घड़ीश्वर? यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन शहर के रहने वाले मैंने घड़ीश्वर शब्द पहली बार सुना है। अरे, वो बोला कि आप घड़ी को ईश्वर मानते हैं तो इसलिए मैंने उसको घड़ीश्वर कहना शुरू कर दिया। तो आपका जो घड़ीश्वर है या ये जो ईश्वर है, मुझे इसकी एक प्रतिमा चाहिए। तो उसने पूछा कि इसकी ये क्यों चाहिए? तो उसने कहा कि शहर में जिस घर में भी जाते हैं तो ये प्रतिमा सब जगह हर घर में टंगी रहती है और सब लोग उसको देख के अपना सारा काम करते हैं, और उसको देख के आप सारा काम करते हैं इसलिए आपके सारे काम सफल होते हैं, इसलिए वो जरूर आपका ईश्वर है और आप उसको घड़ी कहते हैं। तो घड़ी और ईश्वर को मिलाकर मैंने घड़ीश्वर बना दिया और ये जो प्रतिमा है मुझे भी एक प्रतिमा दिला दी। उस शहर वाले ने सर पीट लिया कि महीने भर मैं इसको ज्ञान दे रहा हूँ और इसको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये ईश्वर नहीं है, ये सिर्फ एक यंत्र है, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ यंत्र है। मनुष्य का स्वभाव यह है
कि जिस भी चीज को वो पहली बार देखता है या जिस भी चीज के बारे में उसको लगता है कि ये लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है तो वो उसको ईश्वर मान लेता है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ना केवल मैं, प्रभु का वचन भी हमको याद दिलाता है कि ना तो घड़ी ईश्वर है, ना घड़ा ईश्वर है, ना ही मनुष्य की बनाई हुई कोई चीज ईश्वर है। ईश्वर या प्रभु वो सर्वे सर्वा है जिन्होंने सारे विश्व की रचना की है, और हम में से हर एक के लिए जरूरी है कि हम मनुष्य के द्वारा बनाई गई चीजों की आराधना करने के बदले जिस सर्वेश्वर ने इस सारे विश्व की सृष्टि की है उस सर्वे लगता है कि धीरे बोलना पड़ेगा, जिस सर्वेश्वर ने इस सारे विश्व की सृष्टि की है, ये जरूरी है कि हम उस सर्वेश्वर की आराधना करें, ना कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए चीजों की। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था इजिप्ट या मिस्र। मिस्र देश के लोग उस समय दुनिया में ना केवल सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने अपनी इच्छा से बहुत सारे ईश्वर बना लिए थे, और इस कारण जब उन लोगों ने यहूदियों के ऊपर अत्याचार किया और जब प्रभु ने मूसा से कहा जाओ और मेरी प्रजा को वहां से छुड़ा कर लाओ, और जब उस महान नायक मूसा ने जाकर इजिप्ट का जो शाहनशाह या बादशाह था फिरौन, उससे कहा मेरी जनता को छोड़ दो, तो फिरौन ने कहा कौन जनता, किसकी जनता, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, मैं कैसे मानूं कि तुमसे प्रभु ने बात की है। इसके पीछे शाहनशाह का एक घमंड भी था। घमंड यह था कि हमारे इस इजिप्ट में जहां देखो वहां देवी देवता है, हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं जो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं और जो तुमसे हमारी रक्षा कर सकते, तुम किस ईश्वर की बात कर रहे हो। इतना ही नहीं, शाहनशाह को एक घमंड और था। मिस्र देश के लोग अपने बादशाह को ईश्वर मानते थे, तो उसके कहने का मतलब था कि यहां पचासों ईश्वर है या सैकड़ों ईश्वर है, उसके अलावा मैं मिस्र देश का शाहनशाह, मैं भी सर्वे सर्वा प्रभु हूं, मेरे हाथ से इन लोगों को छुड़ाकर कौन ले जा सकता है, कैसी बात करते हो, तुम लोग यहां से निकल जाओ, भाग जाओ। तब मूसा ने प्रभु के बताए हुए चिन्ह के अनुसार अपनी लाठी जमीन पर डाल दी थी और वो लाठी अजगर बन गई, तो शाहनशाह ने कहा कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ के दो कौड़ी के जादूगर इस तरह के काम करते हैं। उसने जादूगरों को बुलाया, उन्होंने भी अपनी लाठी जमीन पर डाल दी, वो भी अजगर बन गए, लेकिन प्रभु के दास मूसा की लाठी ने, लाठी से जो अजगर बना था उसने बाकी सारे अजगरों को निगल लिया, और मूसा ने उस अजगर की दुम हाथ लगाती वो फिर से लाठी बन गई, बाकी की लाठियों के क्या हुआ, वो सब गुम हो गए। इस तरह से मूसा ने इस बात को प्रदर्शित किया कि मिस्र देश के जादूगर जो जादू टोने करते हैं वो ईश्वर की तरफ से नहीं है। लेकिन बादशाह फिरौन, उसने अपने दिल को कड़ा कर लिया, उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। तब मूसा ने क्या किया, प्रभु के कहने के अनुसार अपनी लाठी ली और नील नदी के ऊपर उस लाठी को जैसे ही उसने उठाया वैसे ही नील नदी का पानी एकदम से लोहू बन गया। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि नील दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे उपजाऊ नदियों में से एक है, जो इस घटना के 3,500 साल के बाद आज भी वहाँ पर है, और मिस्र देश के लोगों को उपजाऊ पानी और जमीन और खाद देती है। उन लोगों ने नील नदी को अपना ईश्वर बना रखा था। कम से कम 3 ईश्वर नील नदी से जुड़े हुए थे। एक का नाम था
खुम, दूसरे का नाम था हापी, तीसरे का नाम था ओसेरिस। लेकिन मूसा ने जब अपनी लाठी उठाई तो मिस्र देश के लोगों के काल्पनिक तीन देवता धरे रह गए। सत्य, इस विश्व के रचयिता प्रभु की शक्ति जब वहां पर फैली, प्रभु का हाथ जब नील नदी के पानी पर पड़ा तो मिस्र देश के लोगों के ये काल्पनिक देवी देवता मिस्र देश के लोगों की रक्षा नहीं कर पाए। आज आगे इतनी घटना हमने पिछले हफ्ते देखी थी। आज आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य का स्वभाव है कि सच्चे ईश्वर को छोड़कर, सच्चे ईश्वर से मेरा तात्पर्य क्या है, ईश्वर जिन्होंने इस सारे विश्व की रचना की है और जो ये चाहते हैं कि हम अपने मानुषिक रास्तों को और मानुषिक शॉर्टकट्स को छोड़कर ईश्वर की तरफ मुड़ें, उस ईश्वर के बदले हम अपने लिए घड़ी ईश्वर के समान पचासों चीजें बना लेते हैं। कल को जो है पेन को देखकर कोई उसको ईश्वर मानने लगेगा, पेपर को देखकर ईश्वर मानने लगेगा, और मान के चलिए कि मैंने किसी के लिए प्रार्थना की और उसको यदि चंगाई या मुक्ति मिली तो वो लोग मुझे शास्त्री ईश्वर बोलने लगेंगे। इनमें से कोई भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर वो है जिन्होंने मेरी, आपकी और इस सारे विश्व की सृष्टि की है। फिरौन नहीं माना। मूसा ने बता दिया था कि देखो ये नील नदी और इसके साथ जुड़े हुए जो देवी देवता हैं ये सच्चे ईश्वर नहीं है। फिरौन नहीं माना। अच्छा, तो मूसा ने कहा कि देखो तुम्हारे झूठे ईश्वर सच्चे इस दुनिया के सृष्टा से तुमको नहीं बचा सकते। और इस कारण प्रभु ने स्वयं मूसा से कहा कि जाओ, मूसा से बोलो, ये मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं निर्गमन की पुस्तक के 8वें अध्याय के शुरू से कुछ स्टेटमेंट या कुछ पद मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। प्रभु तुमसे इस तरह से कहते हैं, हे शाहनशाह, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो जिससे कि वे मेरी उपासना करें। और प्रभु ने कहा कि यदि वो मेरी इस आज्ञा को ना माने तो नील नदी, जिसको वो ईश्वर मानता है, जिसके बारे में उसको लगता है कि इस ईश्वर के रहते हुए सारी दुनिया में कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, ये नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और ये सारा देश मेंढकों से भर जाएगा। आप जानते हैं मेंढक जब तक सड़क पर भागदौड़ कर रहा है या मैदान में भागदौड़ कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन कभी गलती से भी खेलते में आपने किसी मेंढक को हाथ में लिया है क्या? ऐसा लीज लीजा जानवर होता है कि हाथ में लेने के बाद, हाथ जो है 10 मिनट धोने के बाद भी फिर भी ऐसा लगता है कि हाथ में कुछ चिपक रहा है। और यदि वो मेंढक आपके बिस्तर से सारा बिस्तर जो है कूद कात के, आप आके देखें बिस्तर पे सैकड़ों मेंढक पड़े हुए, कुर्सी पे बैठे हैं तो पता चला कि वो आपके आसन के नीचे जो है दसियों मेंढक पड़े हुए थे। सोचते हैं थोड़ा सा पानी पी ले, जाके घड़े में ग्लास डाला तो ग्लास में पानी के बदले 3-4 मेंढक आ गए। ईश्वर ने, प्रभु ने मिस्र देश के शाहनशाह से कहा था, ना तो तू अपने ऊपर भरोसा कर ये सोचकर कि तू ईश्वर है, तू सर्वे सर्वा नहीं है, ना ही तेरे मन के बनाए हुए, मनुष्य के गड़े हुए ईश्वरों पर भरोसा कर। नील नदी के बारे में मैंने तुमको प्रमाणित कर दिया कि वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वो नदी तुम्हारा बचाव नहीं कर सकती है। नंबर 2, मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूं, तुम मेंढक को ईश्वर मानते हो, वो मेंढक ना तो तुम्हारे नियंत्रण में है, ना तुम्हारा बचाव कर सकता है, बल्कि वो तुम्हारे लिए शाप का कारण हो जाएगा। और जैसे ही मूसा ने कहा
ऐसे सारे देश में मेंढक चढ़ाए कि पीने के पानी में पके हुए खाना, जब पका हुआ चावल वो जो है जब उसका बर्तन खोला गया तो पता चला कि जरा सा चावल है, 500 मेंढक उसके अंदर है, क्या करेंगे। ये स्थिति ऐसी हो गई कि इजिप्ट में लोगों के नाक में दम हो गया। मेंढक उनका ईश्वर था, दो ईश्वर थे, एक का नाम है हापी, दूसरे का नाम है हेकेट। ना तो हापी उनका बचाव कर पाए, ना हेकेट उनका बचाव कर पाए, ना ही हाकी और हेकेट से प्रार्थना करने के बाद ये मेंढक वहां से गए। मेंढक तब वहां से गए जब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी कि उनको जाने के लिए मूसा प्रार्थना करे। लेकिन जैसे ही मेंढक वहां से हट गए तो मिस्र का शहंशाह बोला कि हाँ हट गए अच्छा है, लेकिन लोगों को मैं जाने के लिए परमिशन नहीं दूंगा। वो हमारे मध्य प्रदेश की एक बात है, वहाँ पर एक गांव में दो लोगों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ और झगड़े में फिर पंचों ने तय किया कि वो पर नाला जो ऐसा जाता है उसको ऐसा कर दिया भेज दिया जाए। तो जिस आदमी के कंट्रोल में ये बात थी वो खड़े होकर बोला पंचों की आज्ञा सर आंखों पर नाला वहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब कि हाँ हाँ मैंने बोला था कि मैं जाने दूंगा लेकिन जाने नहीं दूंगा। मूसा ने कहा शहंशाह तुमने देख लिया कि तुम जिस नील को देवता मानते हो वो नदी तुमको बचा नहीं पाई, तुम जिस मेंढक को देवता मानते हो वो तुमको बचा नहीं पाया, इसके बावजूद तुम्हारे मन में अहंकार है और इस कारण मैं तीसरी विपत्ति तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। 16वें पद में हम देखते हैं प्रभु ने मूसा से कहा हारून को आज्ञा दो, अपने भाई हारून को आज्ञा दो अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर वार कर। और जैसे ही मूसा के भाई हारून ने वैसा किया वैसे ही सारे देश में लोगों के शरीर पर, जानवरों के शरीर पर जुएं आ गईं। हम जानते हैं कि जुएं एक बार बालों में आ जाए तो कैसी भारी मुसीबत हो जाती है, उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर बाइबल में जिस प्रकार की जू के बारे में कहा गया है वो इतना बड़ा होता था कि वो आपके सर पे हो, आपको चैन नहीं शांति नहीं, और ये ना केवल सर पे बल्कि सारे शरीर पर, इतना ही नहीं सारे जानवरों के ऊपर फैल गया। आप पूछेंगे कि तो क्या जू को भी वो लोग ईश्वर मानते थे? जी हाँ, उनका एक काल्पनिक ईश्वर था सेब, जो जू के लिए एक नाम था, वो लोग इवन जू को ईश्वर मानते थे। और इस कारण हर मिस्री व्यक्ति इंक्लूडिंग फिरौन और फिरौन की रानियां सुबह नील नदी में जब नहाने के लिए उतरते थे तो सर गीला करने के बाद एक उस्तरा लेकर या तो वे स्वयं या दूसरा व्यक्ति उनके सिर को पूरी तरह से शेव करता था, शरीर के सारे बाल वो लोग शेव कर देते थे। इवन स्त्रियां ऐसा करती थीं, मिस्र की रानियों के सर पे बाल नहीं होते थे। क्यों? इसलिए कि यदि बाल बढ़ जाएं तो उसमें जुएं आएंगी और जुएं आएंगी तो उसको मारना पड़ेगा, और इस तरह से देवी देवता को, अपने ईश्वर को मारना सही नहीं है। इसलिए वो लोग क्लीन शेव्ड रहते थे, सर भी क्लीन शेव्ड रहता था। आप कहेंगे कि अरे बाप रे कैसा समाज रहा होगा, हर कोई गंजा ही गंजा, स्त्रियां भी। जी हाँ ऐसा ही होता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, ऐसा करने के बाद, स्नान वान करने के बाद वो बाकायदे एक विशेष प्रकार की टोपी सर के ऊपर लगा देते थे जिससे उनका सर दिखाई नहीं देता था, और पुरुष एक कृत्रिम दाढ़ी, मतलब लोहे का, चांदी का, सोने का, अपनी औकात के हिसाब से कृत्रिम दाढ़ी भी पुरुष लगा लेते थे
क्योंकि दाढ़ी तो वो सफा चट कर देते थे, तो इसलिए यहाँ तो बाल होते नहीं थे ना यहाँ होते थे, तो यहाँ टोपी और यहाँ दाढ़ी। मिस्र देश के फिरौन लोगों का यदि आप चित्र देखेंगे तो हमेशा उनके सिर के ऊपर आप देखेंगे एक टोपी नुमा चीज़ है और यहाँ एक दाढ़ी नुमा चीज़ है। इसका रहस्य यह है। और यदि एक स्त्री राज्य करती थी तो वो भी दाढ़ी लगा देती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि अब वो रानी नहीं है बल्कि राजा है। मूसा को जिस स्त्री ने पाला था हेतशेपसत, फाइनली राज्य जब उसके हाथ में आया तो वो भी ऐसा ही दाढ़ी लगाकर राज्य करती थी। उसकी बहुत सारी मूर्तियां मिली है। प्रभु ने इस बात को स्पष्ट किया, ना तो नील सच्चा ईश्वर है, ना ही मेंढक सच्चा ईश्वर है, ना ही तुम जिस जू की आराधना करते हो वो सच्चा ईश्वर है। और जब हर जगह जुएं ही जुएं होने लगी, खाने में आपने एक चम्मच लिया तो उसमें 4 चावल और 40 जुएं, बड़ी हालत खराब हो गई। फाइनली मूसा ने शाहनशाह ने जादूगरों को बुलाया, ये क्या कर रहे हैं तुम, देख नहीं रहे क्या, तुम भी कुछ करो। तो उन लोगों ने कहा कि हे प्रभु, हमने सारे जादू टोने सब कुछ यूज कर लिए लेकिन हम उसको डुप्लीकेट नहीं कर पा रहे, जिससे हमको इस बात का कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये मनुष्य का काम नहीं है, ये सच्चे ईश्वर का काम है। ये स्टेटमेंट हम 8वें अध्याय के 19वें पद में देखते हैं, ये प्रभु के हाथ का काम है। तो उस देश में जो शक्तिशाली मांत्रिक थे, मिस्र देश के मांत्रिक तो सारी दुनिया में आज भी जाने जाते हैं, इवन उन लोगों ने कह दिया कि ये मनुष्य के हाथ का काम नहीं है, ये प्रभु के हाथ का काम है। फिरौन के दिल में कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। क्या यदि 3 को तुमने बता दिया कि ना तो नदी ईश्वर है, ना ही मेंढक ईश्वर है, ना जुए ईश्वर है, तो शाहनशाह का कहना था कि अभी 50 और ईश्वर बचे हुए हैं, वो हमारी सुरक्षा करेंगे। प्रभु ने फिर से मूसा के द्वारा एक काम किया। 20वें पद में हम देखते हैं, सुबह उठकर फिरौन के सामने खड़े होकर उससे कहना, प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा के लोगों को जाने दो, और यदि नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे कर्मचारियों पर तुम्हारे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा। यह डांस क्या बला है? मैं भी बचपन में सोचता था कि यह डांस क्या चीज है। पहली बार मुझे ये बात पता चली जब मैं मध्य प्रदेश के दक्षिण में, जो कि भयंकर जंगली इलाका है, वहां गया। वहां तो रात को हम लोग लेटे तो मच्छर जो काटने को आए, तो मुझे लगा कि वहाँ जो बड़े बड़े कुत्ते बिल्ली हमको काटने के लिए आ रहे, इतने बड़े मच्छर थे, हैरान हो गए। आपने मान लीजिए कि वो लिहाफ लेके पूरा का पूरा ओढ़ लिया तो लिहाफ जहाँ आपके बॉडी को टच कर रहा है वहाँ वो बाहर से आपको डस रहा है, या मतलब आपका खून चूस रहा है। तब मेरे एक साथी अध्यापक ने बताया कि फिलिप सर, ये है डांस, और आप लकी है कि आप चंबल में रहते हैं जहां ये चीज नहीं है, और इसका कोई इलाज नहीं है सर, आप दवा छिड़क लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही रास्ता है, मच्छरदानी बांधें और मच्छरदानी के बीचों बीच इतने दूर बैठें जिससे कि वो आप तक ना पहुंच सके। मिस्र देश में भी ये डांस होते थे, वो लोग उसको भी ईश्वर मानते थे, वो लोग उसकी भी आराधना करते थे। मूसा उनको बताना चाहता था सच्चे ईश्वर पर, जिसने इस विश्व की सृष्टि की है उस पर विश्वास करो, ना कि अपने मन के बनाए हुए ईश्वरों पर। डांस उस ईश्वर का नाम था यूटाचिट, वो लोग यूटाचिट की आराधना करते थे। सर्वेश्वर प्रभु मिस्र के शाहनशाह को बताना चाहते थे
आराधना मेरी होनी चाहिए, ना कि तुम्हारे मन के बनाए हुए तुम्हारी कल्पना के ईश्वरों की। और इसलिए फाइनली जब सारे देश में डांस भर गए, सब लोगों की हालत मरने लायक हो गई, तब फिरौन ने कहा, आओ इसको हटा दो, मैं तुम्हारी जनता को जाने दूंगा। मूसा की प्रार्थना के अनुसार प्रभु ने उन डांसों को हटा दिया। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। बादशाह ने फिर से अपना दिल कठोर कर लिया, अभी तो 50 ईश्वर और भी बचे हुए हैं, और इसलिए यदि मेरे 3-4 ईश्वर सिर्फ यदि मनुष्य की कल्पना है ये तुमने प्रमाणित कर दिया, तो बाकी ईश्वर मुझको बचा लेंगे, ये उसका कहना था। नहीं बचा पाए। अंत में इजिप्त देश का शाहनशाह हार गया, हार मान गया। कैसे हार मान गया ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन मैं अपने प्रिय भाइयों और बहनों को जो आज प्रभु के वचन से प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि मनुष्य का मन वो एक ऐसी चीज है, बहुत सारी चीज़ों को पैदा कर लेता है, बहुत सी चीज़ों को, और उस फैंटास्टिकस बहुत ही अद्भुत सोचने की शक्ति के कारण मनुष्य ने ईश्वर को आदर देने के बदले, ईश्वर की भक्ति करने के बदले अपने आप के बचाव के लिए तमाम सारे कृत्रिम ईश्वर बना लिए हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं एक बहुत ही प्रेमस, बहुत ही प्रसिद्ध गायक के बारे में सुन रहा था, गायक का इंटरव्यू पढ़ रहा था। किसी ने उस गायक से पूछा कि आपके जीवन में सफलता का क्या रहस्य है। गायक ने बोला, मेरी सफलता का रहस्य यह है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं ईश्वर को अपने साथ ले जाता हूँ। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप जहाँ भी जाते हैं आप ईश्वर को साथ ले जाते हैं। हाँ, तो उसने पूछा कि आप ईश्वर को कैसे ले जाते हैं, तो उसने कहा, मेरे पास ईश्वर की 2 प्रतिमाएं हैं, एक को मैंने बांध कर गले में डाल रखा है और एक को अपनी कमर में बांध के रखा है। उसको पढ़ के मैंने सर पीट लिया कि तुम ईश्वर मान रहे हो और शरीर के ऐसे भाग में तुम उसको टांग रहे हो जो कि साफ भाग नहीं माना जाता है। अरे कमर में कोई अपनी कमर में एक अच्छी चीज को रखता है क्या? यदि मान लीजिए आपको एक टॉफी कोई देता है तो आप जेब में डालते हैं, उसको कमर में अंडरवियर के अंदर थोड़ी रखते हैं। जब इससे पूछा गया तो पता चला कि हाँ, वो अधो वस्त्र के अंदर रहता है। मनुष्य बड़ा विचित्र जीव है, जिस चीज को वो इवन शुद्ध नहीं रख पाता उसको ईश्वर मान रहा है। यही हालत मिस्र देश के लोगों की थी। आज मैं यहां पर जो भाई बहन एकत्रित हुए हैं, इनसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, इस असीमित विश्व की जिस प्रभु ने सृष्टि की है, आप उस प्रभु की आराधना करते हैं या मनुष्य के बनाए हुए काल्पनिक ईश्वरों की आराधना करते हैं जो इतने शक्तिहीन हैं कि आप उनको गले में बांध कर टांग के सब जगह ले जा सकते हैं, और इस गायक के समान इवन आप अपनी कमर में एक रस्सी में या धागे में डाल के टांगे रखते हैं जो जब आप अधो वस्त्र पहनते हैं तो आपके अंडरवेयर के अंदर चला जाता है। ये कैसा ईश्वर है और ये कैसी ईश्वर की भक्ति है? जरा एक क्षण के लिए सोचें। आज भाई जोबिन ने खड़े होकर बताया कि आज से कुछ साल पहले इस जगत के सृष्टा से उनकी मुलाकात हुई और इस जगत के सृष्टा ने उनको एक नया जीवन दिया। वो नया जीवन आपने पाया क्या? मैंने पाया है आज से बहुत साल पहले। यहाँ जो भाई लोग आपके सामने गाने गा रहे थे,
और कई भाई लोग जो उठे नहीं, जो पीछे बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रार्थना की थी, कई बहनें इन्होंने इस नए जीवन को पाया। आपने पाया है क्या? या आज भी आपका विश्वास, आपका भरोसा आपके द्वारा बनाए हुए काल्पनिक ईश्वरों पर है क्या? ये बात जरा सोचे। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, जब ईश्वर ने मूसा के द्वारा शाहनशाह को एक आज्ञा दी थी, तो उस आज्ञा को सुनकर मानना शाहनशाह के लिए जरूरी था, उसने नहीं माना। रिजल्ट क्या हुआ? उसके काल्पनिक देवी देवता उसको बचा नहीं पाए, उसके जीवन में कितनी यातना आई, उसके प्रजा के जीवन में कितनी यातना, कितना दर्द आया। जब हम ईश्वर से, सृष्टा से भागकर अपने मन की इच्छाओं पर चलते हैं, तो जीवन में कुछ भी शुभ नहीं होगा। तीसरी बात जो मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ, वो ये है कि प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु हमको जो नया जीवन देते हैं, उस नए जीवन को पाना ये हम में से हर एक के लिए जरूरी है। ना केवल उस नए जीवन को पाना है, बल्कि जिन लोगों ने इस नए जीवन को पाया है, उन लोगों के साथ संगति में रहना है। ना केवल उन लोगों के साथ संगति में रहना है, प्रभु यीशु की जो आज्ञा थी कि हे बच्चे, तूने मुझे ग्रहण किया है, इस बात के प्रमाण के रूप में सब लोगों के सामने मेरी गवाही दे, और उस गवाही के लिए प्रभु के दासों के द्वारा जल संस्कार पाना जरूरी है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रभु के लिए जो जिन लोगों ने अपने आप को अलग कर लिया है, उन लोगों के साथ नियमित रूप से संगति करना जरूरी है। आज जो भाई और बहन लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन सब से मेरा अनुरोध है, मेरी याचना है कि अपने मन के बनाए हुए काल्पनिक शक्तियों के पीछे भागने के बदले प्रभु के पीछे जाएं, प्रभु का अनुकरण करें, प्रभु से नया जीवन पाएं, और नए जीवन पाए हुए लोगों के साथ संगति में रहें। इतना ही नहीं, इस नए जीवन के बारे में जब आप सुनते हैं, तो पचासों लोग आपको इधर उधर खींचेंगे, इधर आओ उधर आओ, सच्चे संदेश को छोड़कर इधर या उधर जाने में कोई फायदा नहीं है। मैंने जीवन में ये कई बार देखा है, किसी ने किसी जगह पर जाने के लिए रास्ता बता दिया, जा रहे थे तो किसी ने कहा कि भैया उस रास्ते पे क्यों जा रहे हो, मैं तुमको एक शॉर्टकट बताए देता हूँ, और असली रास्ता छोड़कर शॉर्टकट में गए, तो ऐसी भूल भुलैया मिली कि जहाँ जाने के लिए निकले थे 50 किलोमीटर दूर से निकले थे, भूल भुलैया ने उनको 150 किलोमीटर दूर पहुँचा दिया। और इसलिए जब प्रभु का सच्चा संदेश आपके पास आता है, तो यदि कोई खींचतान कर सच्चे संदेश से आपको दूर ले जाने की कोशिश करता है, तो उस भूल भुलैया में ना पड़े, प्रभु का संदेश सुने। क्लोज करने के पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आज इस सभा में ऐसे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं जिन्होंने आज से साल भर पहले, 10 साल पहले, 15 या 20 साल पहले, या उससे ज़्यादा सालों पहले प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है। उन लोगों को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, कई बार जाने अनजाने हम भी उस मिस्र देश के शाहनशाह के समान व्यवहार करने लगते हैं। प्रभु हमको एक दिशा में बुलाते हैं और हम प्रभु से हटकर दूसरी दिशा में भागने की कोशिश करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो पता चलता है प्रभु उनको एक दिशा में बुला रहे हैं, और वो लोग प्रभु से झगड़ा रगड़ा करके दूसरी दिशा में जा रहे हैं। सारी परेशानी की जड़ दूसरे लोग नहीं हैं, वे स्वयं हैं जो प्रभु की वाणी को सुनकर प्रभु के पीछे जाने के बदले अपनी इच्छा के रास्तों पर जा रहे हैं। ऐसा ना करें। यदि ऐसा कोई भाई या बहन आज इस सभा में उपस्थित है जिसने प्रभु को तो पा लिया है, लेकिन जो अपने जीवन में प्रभु के बताए हुए
डायरेक्शन में, प्रभु की बताई हुई दिशा में ना जाने के बदले यदि किसी और दिशा में जा रहा है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, प्रभु के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। खासकर इस अध्याय को, ये इन अध्यायों को जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, सर्वेश्वर से झगड़ा करके, बलवा करके कोई भी अपने रास्ते पर नहीं जा सकता, प्रभु उसको पकड़ लाएंगे। और इसलिए जहां प्रभु ने कहा है वहां जाना पड़ेगा, लेकिन अब एक अपराधी के रूप में जाना पड़ेगा, तो काहे को अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जब प्रभु ने कहा है बच्चे तू जा, तो उस दिशा में हम जाएं। इन बातों को समझकर, इन बातों के अनुसार चलने के लिए प्रभु हम में से हर एक की मदद करें। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, यदि कोई भाई या बहन ऐसा है या ऐसी है जिसने इस नए जीवन को नहीं पाया है, आज इस हॉल को छोड़कर जाने से पहले हम में से किसी न किसी व्यक्ति से बात करें। दूसरी बात, जिन लोगों ने इस नए जीवन को पाया है वे लोग प्रभु के प्रभु की बताई हुई दिशा पर चले और प्रभु से अनुग्रह पाएं। हम हर संडे इस तरह से 6 बजे यहाँ पर एकत्रित होते हैं, अगले संडे भी नियमित रूप से आएं, क्योंकि इस तरह से आना यह प्रभु की आज्ञा है कि नियमित रूप से प्रभु के बच्चों के साथ संगति करें और संगति को भुला ना दें। आपके पढ़ने के लिए बाइबल, बाइबल से संबंधित साहित्य यहाँ पर कई भाषाओं में हैं, इनको प्राप्त करना भी ना भूलें। और जैसा मैंने कई बार आपको याद दिलाया, यदि यहाँ ऐसी कोई भाषा है, जिसका साहित्य यहाँ नहीं है, तो जल्दी ही वो भी आ जाएगा। प्रभु आपको अनुग्रह दे। जय मसीह की।